हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत की मौत को लेकर उत्तराखंड में शोक की लहर है। ऐसे में सभी देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को नम आंखों से याद कर रहे हैं। पौड़ी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी दिवंगत सीडीएस विपिन रावत को लेकर कई भावनात्मक बातें की हैं। इंडिया वॉइस के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया है। इसी को लेकर दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना अरोड़ा ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए आप भी। विपिन रावत का एक गहरा रिश्ता गढ़वाड़ पौड़ी से था। चलिए बात कर लेते हैं पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत से, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। तीरथ जी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जिक्र पौड़ी का किया, आप भी वहीं से सांसद हैं, आप ही के जो है क्षेत्र से आते थे विपिन रावत जी, सबसे पहले रिएक्शन क्या है, क्योंकि इस दुनिया में तो नहीं रहे। कल का दिन और आज का बड़ा दुखदायी और दुख भरा, कष्टकारी। कल जिस तरह से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मधुलिका जी नहीं रही, साथ में अन्य अफसर सैनिक, उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवेदनाएं प्रकट करता हूं। जनरल बिपिन रावत जी एक सरल सौम्य व्यक्तित्व के थे, साथ में कठोर भी थे, और उन्होंने जिस तरह देश की सेना में और एक प्रमुख भूमिका अदा की, और चाहे वो पुलवामा की घटना रही हो, आपका कारगिल का युद्ध रहा हो, या आतंकवादियों को ढेर करने का काम सैनिकों के द्वारा, इसका सफल ने कहा जाता है कि उत्तराखंड की मिट्टी में वो दम है कि जो वीर सपूत पैदा करती हैं। तो ऐसे में मुझे कोई ऐसी बात और दर्शकों को कोई ऐसी बात बताइए जिसका किस्सा विपिन रावत जी से आपका जुड़ा रहा हो। देखिए, मैंने कहा जनरल विपिन रावत जी पौड़ी जिले से, हमारे निकट क्षेत्र गांव से और उत्तराखंड, और वो देश की रक्षा में तो थे ही, और उनके आन और बान शान में ये देश की रक्षा, और एक मैंने कहा नहीं कुशल नेतृत्व उन्होंने जो किया वो सब सामने है, लेकिन साथ में उत्तराखंड के बारे में भी उनके मन में एक पीड़ा थी, एक चिंता थी। और पिछले दिनों जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरा सौभाग्य है कि उनका घर पर आना, उनकी पत्नी भी साथ में थी, मेरा परिवार था, बैठी बातचीत बहुत सारी हुई है और बहुत सारी चीजों को शेयर करने का मौका मिला। हर समय देश रक्षा की जो बात, और कहा कि सेवा के बाद, रिटायर्ड होने के बाद भी मैं देश की सेवा तो करूंगा ही, उस भूमिका को तो मैं निभाऊ, मेरे जज्बे में, मेरे खून में है, लेकिन उत्तराखंड का भी मैं विकास करना चाहूंगा, ये वो कहते थे। देश के वो जाबाज, वो वीर थे सीडीएस विपिन रावत, जिन्होंने देश के लिए नहीं बल्कि अपने पैतृक गांव, अपनी भूमि के लिए भी सोचा। और आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत जी, और पौड़ी से आते हैं, यानी कि गहरा रिश्ता उनका विपिन रावत जी के साथ रहा, जो तमाम चीजें उन्होंने आपके सामने साझा की। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, दिल्ली।